नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल से संबंधित लोगों का सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन। पिछली क्लास में हमने बात की थी किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, के बाद एक सभ्यता का विकास हुआ जो कहलाई वैदिक सभ्यता। भारत की हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता में ही देखा गया कि जो कुछ शुरुआत का जो टाइम पीरियड था उसमें लोगों में समानताएं थी, और धीरे धीरे कुछ असमानताएं उत्पन्न होने लगी समय के साथ। तो उस आधार पर इस काल को दो भागों में बांटा गया, पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे उसका समय रहेगा, काल रहेगा 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्व वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सभ्यता का या किसी भी संस्कृति का अगर हम सामाजिक जीवन या उस समय के लोग किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं ये जानना चाहते हैं तो हम उस समय के साहित्य को देख सकते हैं। उस साहित्य के माध्यम से हम इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से वो अब समाज में रहते थे। पहला यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा परिवार। संयुक्त परिवार के रूप में आर्य रहा करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि घुमक्कड़ जीवन या जो खाना बदोश वाला जीवन जो है वो आर्यों को पसंद नहीं था। वो संयुक्त परिवार के रूप में एक जगह पर रहकर अपना जीवन यापन करना ज्यादा पसंद करते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि संयुक्त जो था परिवार वो मुख्य रूप से पाए गए, संयुक्त परिवार। इसी के साथ जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखी गई। पितृ सत्तात्मक यानी ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान परिवार प्रणाली यहाँ पर चलती थी, और जो घर में एक से अधिक मतलब पुराने जो वंश के लोग थे वो भी एक साथ संयुक्त रूप से रहते थे। उनमें से एक घर का मुखिया होता था, और वो जो घर का मुखिया होता था उसे ग्रहपति कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? ग्रहपति कहा जाता था। सभी लोग ग्रहपति की जो भी बातें थी उनको मानते थे, उनका माना जाता था। ग्रहपति की जो पत्नी थी उनका भी बेहद सम्मान किया जाता था। और जो पिता है इस समाज, इस प्रकार का जो समाज था उसमें जो पिता होते थे वो अपने पुत्रों पर पूरा अधिकार रखते थे। उनमें पिता और पुत्र के प्रेम भाव से संबंधित भी उल्लेख दिया गया है, लेकिन अगर किसी कारण से पुत्र अयोग्य है तो पिता के द्वारा पुत्र के साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार की भी घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। एक जगह तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक बार जब पिता को पता चला कि उसका बच्चा जुआ खेलता है तो उन्होंने अपने बच्चे को अंधा तक कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं परिवार से संबंधित। जो मेन मुखिया है वह गृहपति है, संयुक्त परिवार, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवार के अंदर देखी गई। जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता था तो वो पुत्रों को मिलती थी। पिता के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो बाद में गृहपति बनाया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाएंगी। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं नारी दशा की, तो नारियों की दशा उस समय चाहे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसके बावजूद नारियों की दशा बेहद अच्छी थी। हम ये कह सकते हैं कि एकल विवाह प्रचलित था, लेकिन जो कुछ राजतंत्र के लोग होते थे या फिर उच्च कुलीन लोग होते थे उनमें बहुविवाह भी प्रचलित था। नारियां जो हैं वो अपने पिता के आदेश के अनुसार या फिर स्वतंत्रता पूर्वक विवाह भी कर सकती थी। कुछ महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं विदुषी महिलाएं जैसे कि घोषा और अपाला,
दो विदुषी महिलाओं का नाम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें। इसी के अलावा जो नारियां विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, वो अमाजू कहलाती थी। तो ये नारी दशा से संबंधित कुछ बात होगी। अगली अगर हम बात करते हैं जाति प्रथा, देखिए जाति प्रथा अगर हम दसवें मंडल की बात करें ऋग्वेद के, तो जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में ये लिखा गया है कि देवताओं के द्वारा जब किसी विराट पुरुष की बलि दी गई तो उसके मुख से ब्राह्मण बने, उसके भुजाओं से क्षत्रिय बने, उसकी जांग से वैश्य बने और चरणों से शूद्र का निर्माण हुआ। लेकिन प्रारंभ में कर्म के आधार पर ही जातियां बनी थी। बाद में दसवें मंडल में ये सारी चीजें जो चारों वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन शुरुआत के नौ मंडलों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। भोज्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से चावल और जौ थे, और कुछ सब्जियों का प्रयोग किया जाता था, फलों का प्रयोग खाने में किया जाता था, दूध का प्रयोग किया जाता था, बकरी के मांस को मांसाहारी लोगों के द्वारा खाया जाता था, गौ हत्या पर रोक थी। तो ये कुछ बातें हो जाएंगी भोज्य पदार्थ से संबंधित। अगर हम बात करते हैं वेशभूषा से संबंधित, तो वेशभूषा सूती वस्त्रों का उपयोग भी किया जाता था, ऊनी वस्त्र कपड़ों का उपयोग भी किया जाता। तो यहाँ पर हम वेशभूषा में सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया गया। रंगीन वस्त्रों के अवशेष भी मिले हैं और साहित्य में भी पता चला है रंगीन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। सिलाई का उन्हें ज्ञान था, ये आप ध्यान रखें, आर्यों को सिलाई का ज्ञान था। तो ये वेशभूषा से संबंधित कुछ बात होगी। अब जो वस्त्र वो धारण करते थे उनमें एक जो सबसे अंदर पहना जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था, उसके बाद वास जो नीवी के ऊपर पहना जाता था, और सबसे बाहरी पोशाक जो थी वो अधिवास कहलाती थी, सबसे ऊपरी अधिवास। तो नीवी, वास और अधिवास नामक पोशाकों का प्रयोग किया जाता था। अगर अब हम बात करते हैं आभूषणों की, तो आभूषणों का भी ज्ञान था। फूलों से कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, कंगन बनाए जाते थे, कंगनों का प्रयोग किया गया है। इसी के अलावा कुछ कान के कुंडल बनाए गए, और ऐसा नहीं है कई जो महिलाएं थी, महिलाएं तो लंबे बाल रखती ही थी, वो सिर में वेड़ियां बनाती थी, और जो जेंट्स होते थे पुरुष भी लंबे बाल रखते थे, दाढ़ियां कुछ रखते थे, दाढ़ियां कुछ नहीं भी रखते थे, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता पर वो बहुत ज्यादा आर्य लोग ध्यान देते थे। तो ये आभूषण से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए स्मरण के आधार पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख सके, इस पर बच्चों को ध्यान दिलाया जाता था, स्मरण शक्ति पर बढ़ावा था। इसी के साथ बच्चों को चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये कुछ बातें हो जाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय अगर हम बात करते हैं पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षाओं पर लगभग बराबर ध्यान दिया जाता था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की असमानता के बारे में नहीं बताया गया है। उपनयन संस्कार के बारे में इस समय इतना ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। औषधि की बात करें तो कुछ वृक्षों के द्वारा किस प्रकार जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, कैसी औषधियां बनाई जाती हैं, इसका ज्ञान आर्यों को था। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों से संबंधित कुछ ज्ञान का उल्लेख मिला है। अब अगर हम बात करते हैं मनोरंजन की, तो घोड़ों से संबंधित या फिर हम कह सकते हैं रथ से संबंधित कुछ मनोरंजन के गेम्स लोग जो थे वो खेलते थे। संगीत और गायन संबंधी, वादन संबंधी जानकारियां लोगों को थी। ढोल मंजीरे का प्रयोग करते थे, बांसुरी वीणा का भी प्रयोग किया गया है। तो इन सब का यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें हुई सामाजिक जीवन से संबंधित, परिवार,
संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक होते थे और ग्रहपति यहाँ का जो मेन मुखिया था वो ग्रहपति कहलाते थे। नारियों की अगर हम बात करें तो नारियों की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। धार्मिक अनुष्ठान में भी नारियां जो थी वो सम्मिलित होती थी। अगर किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो कहीं ना कहीं नारियों की दशा बहुत अच्छी थी। जाति प्रथा शुरुआत में देखने को नहीं मिली। शुरुआत में कर्म के आधार पर जाति में भेद किया जाता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जातियों में 10वें मंडल में 4 वर्ण 10 वर्णों के बारे में बताया गया है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो लोग थे वो उपयोग करते थे भोज्य पदार्थों का, ऐसा उल्लेख किया है, लेकिन गाय को काटना पर मनाही थी। वेशभूषा सूती ऊनी रंगीन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। आभूषण शिक्षा औषधि और मनोरंजन, तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे सामाजिक जीवन से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन से संबंधित। राजनीतिक जीवन से संबंधित अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा उल्लेख राजनीतिक जीवन से संबंधित नहीं मिला है, लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई तो वो मानी जाती थी कुटुंब। कुटुंब जिसे परिवार भी कहा जाता था, जिसे कुल भी कहा जाता था। अब कुटुंब या कुल या परिवार का जो मुखिया है उसे कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था उसे? कुलप कहते थे लोग। उन कुलप की बातें जो कुटुंब के जो मुख्य मुखिया होते थे उनकी बात सभी को माननी होती थी। ग्रहपति भी कहा गया है, कई जगह ग्रहपति का प्रयोग हुआ है, कई जगह कुलप का प्रयोग हुआ है। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुटुंब। दूसरा अगर हम बात करें, कुछ परिवार या कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? ग्राम का निर्माण करते थे। और जो ग्रामणी होते थे, ग्रामणी ग्राम के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हम कह सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम की जो छोटी मोटी अगर झगड़े हो गए तो वो ग्रामणी के द्वारा सुलझाए जाते थे। अब कुछ गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे? विष का निर्माण करते थे। और यहाँ के जो मुखिया होते थे उसे विषपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषपति। तो कुटुंब, कुटुंब मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे और इसके जो मुखिया होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? विषपति। बहुत सारे विष मिलकर जन को बनाते थे और जिसका मुखिया जनपति या फिर कई जगह रक्षक का प्रयोग किया गया है। कई किताबों में रक्षक का प्रयोग भी किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर एक छोटी इकाई से किस प्रकार इकाई बड़ी इकाई जुड़ी हुई थी। अब अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था में हम देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो दर्जा था वो राजा का था, जिसे राजन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था यहाँ पर? राजन। सभी न्याय से संबंधित या फिर दूसरी कर व्यवस्था से संबंधित जितने भी जानकारियां थी या सारे अधिकार जो थे वो राजा के पास थे, ये आप याद रखें। राजा के दो महत्वपूर्ण अंग होते थे, एक होता था पुरोहित और दूसरा होता था सेनानी। जो पुरोहित जो है वो दार्शनिक भी हो सकता था, वो शिक्षक भी हो सकता था, वो हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करता था। और इसी की तरह अगर हम बात करते हैं सेनानी की, तो जो सेनानी होते थे वो सेना से संबंधित होते थे और सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और अगर उस क्षेत्र में बाहर से कोई आक्रमण होता है तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का काम जो है वो सेनानी के द्वारा किया जाता था। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे किससे संबंधित? शासन व्यवस्था से संबंधित। तो पहला पॉइंट जो है वो हो जाएगा राजा, राजा या राजन, जो कि राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये वंशानुक्रत होता था, हर बार ज्येष्ठ पुत्र पुत्र जो है वो राजा बनता था। लेकिन अगर ज्येष्ठ पुत्र की हम कह सकते हैं अयोग्य है तो उसके स्थान पर अन्य योग्य राजा भी राजपुत्र नियुक्त किया जाता था। अगर अब बात करते हैं सभा और समिति की, तो ऋग्वेद के समय राजाओं की कह सकते हैं अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नाम की दो कह सकते हैं कि संस्थाएं बनी। सभा जो थी वो छोटी होती थी, ध्यान रखें,
सभा क्या होती थी, छोटी होती थी, और सभा के अंदर कर राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो ही सभा में उपस्थित होते थे। ध्यान रखें, सभा में निकट संबंधी ही उपस्थित होते थे। समिति बड़ी होती थी, जनसाधारण इसमें उपस्थित हो सकते थे। सभा और समिति, सभा में जो राजनीति से संबंधित कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, और गांव के जो दूसरे कर से संबंधित या व्यापार से संबंधित जो बातें हैं वो सारी समिति के अंतर्गत जनसाधारण के मध्य की जाती थी। आय के साधन मुख्य रूप से भूमि कर और व्यापार कर के रूप में थे। न्याय की अगर हम बात करते हैं तो न्याय जो है वो राजा के द्वारा ही किया जाता था, और अगर छोटे मोटे झगड़े हुए हैं तो जो ब्राह्मण ही होते थे या फिर रक्षक होते थे उनके माध्यम से भी उनको सुलझाया जाता था। अगर कोई राजद्रोही मिल गया है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ब्राह्मण का की हत्या कर दी है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। कई बार लोगों को अपने अपने बचाव के लिए, अपने आप को सही पहुंचाने के लिए अग्नि परीक्षा या फिर जल परीक्षा देनी पड़ती थी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि राजनीतिक जीवन से संबंधित है। राजाओं का बहुत बड़ा रोल इस समय तक नहीं आया था, इसीलिए राजाओं की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समितियों का भी विकास किया गया। तो धीरे धीरे बाद में देखा गया कि राजा जो थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते चले गए, लेकिन इस समय तक राजा जो थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हम नहीं कह सकते हैं। तो ये दो बातें हमने बात की सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन से संबंधित। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि पूर्व वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस प्रकार का था और आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।